बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चिंता बढ़ा दी है। जी हां, लालू प्रसाद लगातार टीवी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि एग्जिट पोल के उलट महागठबंधन के विरुद्ध गए चुनाव परिणाम से लालू यादव काफी मायूस हैं। जी हां, आपको बता दें कि महागठबंधन को चुनाव में बहुमत से 12 सीटें कम मिली, यानी 110 सीटें मिली है। आपको बता दें कि लालू यादव के डॉक्टर उमेश प्रसाद का कहना है कि लालू प्रसाद आज सुबह के बाद से काफी मायूस और चिंतित हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में गठबंधन के पिछड़ने का ही असर है। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों रांची के रिम्स में कैली बंगले में इलाजरत हैं। आपको बता दें, बीते चार दिनों में दूसरी बार लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले लालू प्रसाद की जमानत अर्जी को कोर्ट ने 27 नवंबर तक टाल दिया था। लालू को उम्मीद थी कि 6 नवंबर को जमानत मिल जाती और वो जेल से बाहर आ जाते। लालू को देवघर और चाईबासा ट्रेजरी केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि लालू यादव की हालत गंभीर है, उनकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अगर यही हालत रहा तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। बिहार में मिली हार से लालू प्रसाद यादव इतने निराश थे कि उन्होंने जेल आईजी की पूर्व अनुमति के साथ आने वाले लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। जी हां, आपको बता दें, केली बंगले से निकले डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा कि लालू यादव काफी निराश हैं। जी हां, वह लगातार टीवी देख रहे थे, महागठबंधन की हार से उनकी चिंताएं बढ़ गई है। तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।